दोस्तों, देश में चुनावी माहौल है, नेताओं के पास समय की बहुत ही कमी है, लेकिन इस कीमती समय के बीच आज हम हरीश जी चौधरी के साथ हैं। बड़े इत्मीनान से हम इनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इन चुनावों में किस तरीके के मुद्दों के साथ कांग्रेस इस बार चुनाव लड़ रही है, क्योंकि इस लोकसभा क्षेत्र से इस बार जो मुकाबले हैं वो काफी रोचक है। कभी कांग्रेस बीजेपी पर, कभी बीजेपी कांग्रेस पर, कभी निर्दलीय पर, तमाम प्रकार के अलग अलग नेता अलग अलग तंज कस रहे हैं। लेकिन इन चुनावों के बीच कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के लिए, इस थार के लिए, यहाँ के लोगों के लिए काफी नुकसानदायक आने वाले समय में हो सकते हैं। सर से जानते हैं कि इन चुनावों के साथ साथ कैसे यहाँ का भाईचारा, कैसे यहाँ के लोग चुनावी समय में खुद का नुकसान नहीं करें, कैसे इस थार के क्षेत्र में भाईचारा कायम रहे। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। हरी जी, कांग्रेस पार्टी बड़े एकजुटता के साथ इस लोकसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ रही है। हम देख रहे हैं कि तमाम नेता विधानसभाओं में कहीं हल्का सा बिखराव हमें दिखा था, लेकिन इस चुनाव में काफी एकजुट है, उसका सीधा सीधा फायदा हो रहा है सर। कांग्रेस का नेता और कार्यकर्ता एकजुट होकर ये चुनाव जीत लड़ रहे हैं और जीतेंगे। क्या मुद्दे लेकर जा रहे हैं सर? मुद्दे थार के, मैं लगातार ये बात कह रहा हूँ, बात थार की होनी चाहिए, मुद्दे थार के होने चाहिए, बात देश की होनी चाहिए, मुद्दे देश के होने चाहिए, जनता के होने चाहिए। क्या लग रहा है आपको, क्योंकि पिछले 10 साल की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के सांसद रहे, केंद्र में सरकार बीजेपी की रही, हरीश चौधरी को क्या लगता है, क्योंकि वो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, राजस्थान सरकार में मंत्री रहे, क्या आपको मुख्य काम लग रहे हैं जो होने चाहिए थे नहीं हुए, और उसकी एक खटक आपके मन में है कि ये काम क्यों नहीं हुए? मैं साधारण से जब सवाल खड़ा करता हूँ, सवाल पूछता हूँ, तो इनके पास कोई जवाब नहीं, दोनों के दोनों प्रत्याशी उसको नजरअंदाज करते, वो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाते, निराधार आरोप प्रत्यारोप लगाते, और उनका मकसद ये रहता है सिर्फ कि टकराव कैसे हो। उदाहरण के तौर पर जब मैंने ये बात करी, लगातार मंचों से मेरे संदर्भ में बात कर रहे हैं दोनों प्रत्याशी, तो मैंने ये बात रखी कि 2009 के अंदर प्रति व्यक्ति औसतन आय प्रति परिवार जो 17,078 रुपए जाती थी, उनकी जेब में जाती थी, वो 5 वर्ष के अंदर 7 गुनी हो गई 2014 तक। 2014 के अंदर 1,21,953, जो 7 गुना हुई। कोई ऐसा उदाहरण किसी और लोकसभा क्षेत्र का है तो वो बताए लोगों को, तो पिछले 10 वर्षों से कितनी बड़ी कि दोनों के दोनों नरेंद्र मोदी जी के गुणगान गा रहे हैं, लगातार 10 वर्षों से उनके साथ खड़े हैं, उस विचारधारा के साथ खड़े हैं, तो उनको जिम्मेवारी तो लेनी पड़ेगी। 10 वर्षों के अंदर बाड़मेर कहाँ गया, उस बात पर नहीं आ रहे, वो जो सवाल उठा रहे हैं निराधार सवाल उठा रहे हैं। ये तो कह रहे हैं कि देश में केंद्र सरकार रही, मोदी सरकार रही, तो विदेश में भारत का नाम हुआ है, राम मंदिर बन गया, धारा 370 हट गई, कई प्रकार के एजुकेशन के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में खूब सारे हमने काम किए। देखो, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री स्वयं ने जिन बातों की चर्चा करी, नरेंद्र मोदी जी ने आकर क्या चर्चा करी, मेडिकल कॉलेज की। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को खुद को पता कि मेडिकल कॉलेज 2009 और 14 के बीच में जब मैं सांसद था उस वक्त स्वीकृत हुआ, 5 वर्ष जब उनकी सरकार राजस्थान में रही उन्होंने पूरा नहीं किया, और जैसे ही पिछली बार 5 वर्षों में कांग्रेस की सरकार हुई वो मेडिकल कॉलेज पूरा हुआ। रिफाइनरी के संदर्भ में नरेंद्र मोदी जी कहते थे, वो स्वीकृति कब हुई, जब मैं संसद था उस वक्त हुआ, किनके प्रयासों से हुई, बाड़मेर जैसलमेर के लोगों की ताकत के प्रयासों से हुई, उन्होंने स्वीकृत करवाई। प्रदेश के अंदर जिस तेज रफ्तार से पचपदरा के अंदर रिफाइनरी बनी है, कोई और उसका उदाहरण नरेंद्र मोदी जी या उनके दोनों के दोनों प्रत्याशी दे सकते हैं तो दे, कोई भी उदाहरण ऐसा नहीं। चलो, जो CSR के अंदर हम लोगों का हक और अधिकार था 2.5%, वो हक और अधिकार किसने हम लोगों के हक और अधिकार में डाका डाला, कभी चर्चा करी? लगातार पिछले दफे भी नरेंद्र मोदी जी आए, उससे पहले पत्र द्वारा लगातार मांग कर रहा हूँ कि ये हम लोगों के हक पर डाका क्यों डाला, 1,800 करोड़ रुपए हम लोगों को CSR के मिलने चाहिए थे, और हमारी केंद्र में कमजोर पैरवी होने के कारण आज 1,800 करोड़ के जगह हम लोगों को सिर्फ 200 करोड़ रुपए मिले। ये सब सवाल है। पीने के पानी के संदर्भ के अंदर 90% केंद्र सरकार और 10% राज्य सरकार रेगिस्तानी इलाके में देती थी, आज भी पहाड़ी इलाके के अंदर 90% केंद्र सरकार दे रही,
हम लोगों के ऊपर ये जुल्म क्यों? 5% पैसा हम लोग बाड़मेर के, थार के, जैसलमेर के, राजस्थान के लोग अपनी जेब से केंद्र सरकार इस योजना में क्यों ले रही है वो अलग बात है कि बाइतों के लोगों की ताकत से, राजस्थान के लोगों की ताकत से वो पैसा भी राजस्थान सरकार देगी। ये फैसला राजस्थान सरकार जब कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त हम लोगों ने कराया। पीएमजीएस के संदर्भ के अंदर जो ढाणियां जोड़ दी थी वो ढाणियां 10 वर्षों से हम लोगों की ढाणियां नहीं जोड़ी, गांव नहीं जोड़े। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी वो 250 तक की आबादी की सड़कें जो केंद्र सरकार को प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना से जोड़ दी थी वो राजस्थान सरकार ने जोड़ी। ये पीएमजीएस सड़क जो बनी हुई है 10 वर्षों में इसकी रिपेयरिंग होनी चाहिए थी, वो रिपेयरिंग इन्होंने नहीं करी। दोनों को जवाब नहीं देना चाहिए। जो पहला और अंतिम गांव की जिसको ये उल्लेख कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी अपने खुद के भाषण के अंदर, पिछड़ा जिला योजना के तहत हम लोगों को करोड़ों रुपए सालाना मिलते थे वो बंद हो गए। बीएडीपी में जो हमें पैसा मिलता था वो बंद हो गया। हर क्षेत्र के अंदर हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। जो स्वीकृत रेलवे लाइन थी वो इन्होंने बंद कर दी। जल जीवन मिशन योजना का आप जिक्र करें तो सीधा आरोप राजस्थान सरकार पर है कि हमने काम तो दिया लेकिन काम राजस्थान सरकार ने होने नहीं दिया। पीने के पानी के संदर्भ में आज ये प्रत्याशी कह रहे हैं क्या हुआ बाड़मेर में, वहां से अपन बात शुरू करते हैं। या तो प्रत्याशी बाड़मेर से बिल्कुल ही कट गए, पता नहीं किस दुनिया के अंदर निर्दलीय प्रत्याशी है। दुनिया के अंदर ऐसा उदाहरण आप बताओ जो बाड़मेर के अंदर टाकों के माध्यम से 1,00,000 टाके किस योजना के तहत हुए, जो कांग्रेस की नरेगा के तहत हुए, वो जाकर अगर ये ढाणियों के अंदर घूमे, सिर्फ रील बनाने के लिए नहीं हकीकत के अंदर घूमे, तो पता चल जाएगा कि 1,00,000 टाके बाड़मेर जिले के अंदर नरेगा से बने। ये हम लोगों का सपना था, बाड़मेर के अंदर नहरी पानी आए। जिस दिन में यहाँ से संसद बना वो सपना हमारे पूर्वजों का सपना था, बिरदीचंद जी जैन का सपना था, गंगाराम जी चौधरी का सपना था, उनके प्रयास थे, उनके सपने साकार कब हुए? 2009 से 14 तक जब मैं संसद था पहली दफे मोहनगढ़ बाड़मेर लिफ्ट कैनाल के माध्यम से बाड़मेर के अंदर पहली दफे नहरी पानी आया। वो पानी आने के बाद में आगे की स्कीम स्वीकृत हुई, आगे की स्कीम स्वीकृत जो मेजर प्रोजेक्ट हुए उनके अंदर इनकी सरकार के समय क्या स्थितियां बना दी। हम लोगों ने 5 साल में क्या किया, ये सवाल जब ये पूछते तो मैं उनको उत्तर देना चाहता हूँ। जो प्रोजेक्ट के तहत जो स्कीम चल रही थी उनको इनके लापरवाही नजरअंदाज करने के कारण वो ठप और बंद हो गई। हमने वो स्कीम वापस स्वीकृत करवा कर, टेंडर कराकर, कोर्ट के अंदर लिटिगेशन था तो उसको विड्रॉ कराकर और वापस उसको काम को शुरू कर आज लगभग पूरा कर, और वहां तक हम लोग रुके नहीं। और जो घर घर ढाणी ढाणी के अंदर पीने का पानी जाना चाहिए उसका भी समान अंतर 11,000 किलोमीटर से ज्यादा का सिर्फ बाइतू विधानसभा क्षेत्र के अंदर स्वीकृत हुई और 8,000 किलोमीटर हो चुकी, काम पूरा हो चुका है, काम बिल्कुल हो चुका है। सर चुनावों की और विकास की बातें करेंगे, कुछ बातें आपकी व्यक्तिगत जानना चाहेंगे। पिछले दिनों से हम लोग देख रहे हैं आप काफी टारगेट हो रहे हैं, कभी आपके हाथ खून रंगे बताते हैं, कमलेश प्रजापत एनकाउंटर के आप पर आरोप लगते हैं, क्या सर आपकी टिप्पणी है, क्या कहेंगे? निर्दलीय प्रत्याशी सिर्फ टकराव, ये धार की परंपरा नहीं थी। आज मैं 53 वर्ष के अंदर मैंने 7-7 चुनाव लड़े, कभी भी इस तरह के व्यक्तिगत हम लोगों के मालानी के अंदर अगर सबसे बड़ा कोई आरोप लगता है तो किसी इंसान की जान के संदर्भ में लगता है। वो न्यूनतम स्तर भी इन्होंने, कल इन्होंने ये बात करी जो इनके खिलाफ कुछ आरोप लगे, वो आरोप जब तक मेरे पास कोई आधार नहीं रहेंगे नहीं तो मैं आरोप को तायिद करूंगा, नहीं उस आरोप को रद्द करूंगा। उन आरोप के संदर्भ में उन्होंने जब खुद पर आरोप लगे तो उन्होंने क्या बात करी कि जांच करवा दो, खुद पर आरोप लगे तो क्या बोला कि मैं मंदिर में घुसा। पर आप खुद निर्दलीय प्रत्याशी महोदय आपने आरोप लगाया खून से हाथ रंगे, मैं उनको बताना चाहता हूँ ये जांच जो आप कह रहे हो इसकी जांच की मांग जो आज आपको चुनाव लड़ा रहे, मैंने आज ही भाटिया के अंदर ये बात करी, उन्होंने इस प्रकार का षड्यंत्र रचकर। कौन सर चुनाव लड़ा रहे खुलकर? खुलकर पूरा भाटमेट जानता अच्छी तरह से, उनके साथ कौन खड़े हैं, कौन से चेहरे उनके साथ, आलोक आश्रम के अंदर जो मीटिंग हुई थी उस दिन उनके साथ कौन से चेहरे थे,
आज कौन से चेहरे हैं वो सब अच्छी तरह से जानते हैं, बाड़मेर जिला अच्छी तरह से जानते हैं। व्यक्तिगत तौर के ऊपर अगर वो कभी कोई सवाल करेंगे पूछेंगे तो वो भी मैं बता दूंगा, प्रत्यक्ष तौर पर कौन मदद कर रहा है, अप्रत्यक्ष तौर पर कौन मदद कर रहा है। तो वो जांच उन लोगों ने मांग करी और वो जांच सीबीआई से, वो सीबीआई किसकी है, वो सीबीआई नरेंद्र मोदी जी की, अमित शाह जी की, कभी भी उनके मुंह से ये नाम नहीं निकल सकते। डर और खौफ क्या कहता है, ये क्या कहता है, ये रहस्य क्या है? नरेंद्र मोदी जी की सीबीआई ने एक दफे नहीं तीन तीन दफे जांच करी। बाड़मेर में सीबीआई की टीम काफी समय तक रुकी, 6 महीने बाड़मेर के अंदर सीबीआई की टीम रही, एक दफे नहीं तीन तीन दफे जांच करी और मुझे बरी किया। ये उनको अच्छी तरह से पता है, उसके बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ वोटों के कारण कैसे भावनाएं भड़काई उसका प्रयास कर रहे हैं। बाड़मेर के लोग बहुत समझदार है, जान चुके हैं सत्य में जीत। सर एक अभी मैं आपका एक बयान सुन रहा था सोशल मीडिया पर, आप काफी मंच पर जो है एक लाल सिंह जो पिछले दिनों एक मर्डर के केस में पकड़े गए उनके बारे में काफी आप जिक्र करते हैं अपने हर मंच पर उनकी बात, क्या है वो फंडिंग की बात, आखिर क्या कहना चाहते हैं बाड़मेर के लोग? नहीं, मर्डर के केस के अंदर अगर वो फरार है तो एक कई ऐसे मर्डर के केस के अंदर लोग अपराधी भी हैं और वो फरार भी हो सकते हैं, पर हम लोगों के लिए चिंताजनक चीज क्या है, हम लोगों के लिए चिंताजनक चीज है कि हम लोग बॉर्डर पर, इस बॉर्डर के ऊपर जो जखीरा उनके पास से जब्त हुआ बरामद हुआ और जो फैक्ट्री हथियारों की बारूद की फैक्ट्री उनके पास हुई, क्या स्थान जो हम लोग सदैव इस देश के लिए राष्ट्र के लिए हर समय तैयार रहते हैं, क्या ये ठीक है? और सबसे बड़ी चिंताजनक जो सवाल हम लोगों के सामने आया था, रेंज आईजी खुद ने ये कहा कि लगातार इनको फंडिंग कर रहा है, प्राथमिक जांच हो चुकी है, निर्दलीय उम्मीदवार महोदय के खुद के विधानसभा क्षेत्र में ये पूरी की पूरी घटना घटित हुई, एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकला। तो इसके संदर्भ में उनकी राय की, अगर वो गलत है तो उनको बोलना चाहिए कि ये जो पुलिस बोल रही है वो गलत है, अगर सही है तो सच्चाई के साथ खड़े रहने चाहिए। जब भी मेरे संज्ञान में ये बात आई तो तत्कालीन मैंने ये इस बात के संदर्भ में जो मेरा रुख था मेरा पक्ष था वो रखा, इनके ये होठ बंद क्यों, ये चुप्पी क्या कहती, कि सिर्फ बाड़मेर से लगाव इनका सिर्फ राजनीतिक है और वोटों का है। एक सर और भी पिछले सवाल की अगर बात करें तो आपने एक भाषण में अपने एक संबोधन में कहा है कि कुछ लोग घर में बैठ करके सपोर्ट कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं, कुछ लोग प्रत्यक्ष रूप से, कुछ लोग अप्रत्यक्ष रूप से, कहीं आपका इशारा कुछ ऐसे लोगों पर है जो आपकी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, संबंध रखते हैं? इस संदर्भ में अगर कोई प्रत्याशी बात करेंगे तो मैं बिल्कुल उन नामों का भी बात करूँगा, किसी के संदर्भ में कोई बात करेंगे, और नहीं तो चुनाव सिर्फ वोटों के लिए सिर्फ मैं लांछन लगाने के लिए बात नहीं करूँगा, नाम की भी आवश्यकता पड़ेगी, इन वोटों की बात भी मैं नाम भी मैं नहीं बाड़मेर का हर व्यक्ति जानता है, अगर जरूरत पड़ी तो वोटों के बाद में 26 तारीख के बाद के अंदर मैं खुद बाड़मेर के लोगों को ये बात करूंगा, क्योंकि सवाल जिस दिन मैंने कहा ये जिंदा है किसी के संदर्भ में उन्हीं लोगों ने लांछन लगाने की कोशिश करी तो उस दिन मैंने स्पष्ट तौर के ऊपर ये बात करी, कोई भी व्यक्ति मानविंदर सिंह नहीं। आप कह रहे हैं कि मानविंदर सिंह ने आप पर ये सब चीजें नहीं करी? नहीं, ये बात नहीं करी, तो मैंने उस वक्त भी क्या आज नहीं कर, ये बात मैंने जब आपको मालूम चली, हाँ जब उन्हीं लोगों ने ये कोशिश करी इस तरह का सेंटर रच कर और आपस में टकराव का, तो मैंने खड़ा होकर इस बात को रद्द किया, जो अगर जरूरत पड़ेगी उन लोगों का चेहरे पर से नकाब भी मैं, और मुझे लगता बाड़मेर अब जान चुका कि वो कौन है। सर पिछले दिनों सोशल मीडिया 2-3 दिन से एक चीज चल रही है, उस पर आपकी एक टिप्पणी नहीं आई, कोई बयान नहीं आया, भाजपा की आईटी सेल कहे या फिर सोशल मीडिया के कुछ लोग कहें, निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी पर ये आरोप लगे हैं कि वो विदेश से फंडिंग लाते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के वो सदस्य जो लोग हैं उनको फंड कर रहे हैं, राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हुई है, क्या कहेंगे सर? नहीं, मेरे पास अभी तक इसके संदर्भ में मेरी कोई पुख्ता जानकारी मुझे हासिल नहीं हुई है, और निराधार बात करने के लिए मैं बात नहीं करूँगा। मैंने आज तक मेरे राजनीतिक जीवन के अंदर जो भी बात करी वो आधार से करी, जब सच्चाई होगी तो ही मैं रोकूंगा,
चलो आरोप लगाने के लिए आरोप नहीं लगाऊंगा जो ये लोग कर रहे हैं, जो निर्दलीय प्रत्याशी महोदय खुद कर रहे हैं। कई सवाल उन्होंने उठाए, उन तमाम सवालों का मैं जवाब दूंगा, तत्व से दूंगा, सच्चाई से दूंगा, डाटा से दूंगा, फैक्ट से दूंगा। अभी आपने कहा कि निर्दलीय प्रत्याशी नरेंद्र मोदी और अमित शाह का नाम नहीं ले रहे, क्यों नहीं ले रहे? वो नहीं ले रहे हैं, उन्होंने खुद ने अपने ट्विटर हैंडल पर नामांकन दर्ज करने के बाद में भी अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बताया, और उन्होंने ये बात भी की मुझे भारतीय जनता पार्टी ने नहीं निकाला। और जब ये सब आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं तो इनकी ये चुप्पी क्यों है? नरेंद्र मोदी जी जब यहाँ आए उन्होंने क्या क्या बातें करी उनके पक्ष में? अगर उन्होंने सही की तो उनको धन्यवाद देना चाहिए। एक उम्मीदवार के तौर पर सबसे पहली जिम्मेवारी किसकी बनती? उनकी बनती, तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये चुप्पी, ये शांत, ये जो होठ बंद होठ, ये क्या कहता है बाड़मेर क्षेत्र से जानते हैं। तो क्या यही आधार है आपका कि भाजपा की और बी टीम बता रहे हैं? सिर्फ ये आधार नहीं, ये खुद कह रहे हैं निर्दलीय प्रत्याशी महोदय, खुद कह रहे हैं, आज से नहीं कह रहे, ये लगातार छात्र जीवन से ये बात कहते आ रहे हैं। ये खुद आरएसएस के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य रहे हैं, जीतने के बाद में भी यही बात करी, आज तक भी वो यही बात कह रहे हैं, यही राष्ट्रवाद की बात करी। राष्ट्रवाद है जो यहाँ जो जखीरा यहाँ मिला उसमें इनका मौन राष्ट्रवाद है? राष्ट्र के साथ खड़े हैं या किसके साथ खड़े हैं? ये भारत माता की जय है या कुछ और है? ये सवाल नहीं। चलो सर, उम्मीदवार बेनीवाल को अगर डिस्क्राइब करना हो हरीश चौधरी उनको बताएं तो कैसे बताएं? नहीं, आज भी मैंने ये बात करी कि हम लोग आज जितना भी ये मैनेजमेंट हो रहा है कैंपेन मैनेजमेंट के अंदर, दोनों के दोनों उम्मीदवार करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं ये बाड़मेर देख रहा है। इन करोड़ों रुपए खर्च करने कर और जो कोई भी इंटरव्यू हो रहे हैं, जो कोई भी कैंपेन हो रहा है, उसके अंदर कोई ये सवाल क्यों नहीं जानना चाह रहा है कि उम्मीदवार राम बेनीवाल कौन है? मैंने भाटका के अंदर आज बात करी कि उम्मीदवार राम बेनीवाल कौन है, वो मैंने बताया। आज मैं खुद सरकारी कर्मचारी का बेटा हूं, मेरे पिताजी सरकारी कर्मचारी है, कैलाश चौधरी जी के पिताजी सरकारी कर्मचारी है, रविंद्र सिंह भाटी जी के पिताजी सरकारी कर्मचारी है, और उम्मीदवार राम बेनीवाल कौन है? उम्मीदवार राम बेनीवाल एक मजदूर किसान का बेटा, 4-4 किलोमीटर तक वो पैदल चलकर अपनी स्कूल के अंदर गया, 8वीं तक की उन्होंने अपनी पढ़ाई पुनिया के तले के अंदर 4-4 किलोमीटर तक करी। हम तीनों ने नहीं करी, हमारे पिताजी की तनख्वाह से हम लोगों ने एक न्यूनतम सुरक्षित जीवन जिया। पुनिया के तला के अंदर जब स्कूल नहीं थी तो वहां से 18 किलोमीटर दूर हीरे के ढाणी जब स्कूल के अंदर उनको जाना पड़ा, 18 किलोमीटर वो बच्चा नहीं चल सकता तो अपने परिवार दूर के परिवार के घर पर रहकर रोज उन्होंने अध्ययन किया, और 11वीं के लिए जब उनको बालोतरा जाना पड़ा तो उनकी जेब में पैसा नहीं था। आज लाखों बाड़मेर के परिवार ऐसे हैं जिनके आर्थिक तंगी के कारण वो पढ़ाई नहीं कर सकते। उस उम्मीदवार राम बेनीवाल ने उस उम्र के अंदर मजदूरी करी, जो ये कपड़ा उद्योग है, टेक्सटाइल उद्योग के जिगर है, जो वो टेबल के ऊपर कितना कठिन काम है, उस बच्चे ने उस पीड़ा से मजदूरी करी, वो कहानी आज कहीं भी मुझे सुनाई नहीं दे रही, वो सच्चाई कहीं भी सुनाई नहीं दे रही है। क्या बाड़मेर के लोगों को इसको जानना नहीं चाहिए? हमने उम्मीदवार राम जी का इंटरव्यू किया और सारी बातें उम्मीदवार राम जी से बात करके जानी थी कि कैसे उन्होंने संघर्ष किया, नमक की फैक्ट्री में काम किया, फिर गुजरात जा करके बोरियां ढोही, कैसे खेत में काम किया, तमाम बातें उन्होंने की। पर ये हल्ला दूसरे का जो संघर्ष भी नहीं था, तो विश्वविद्यालय के संदर्भ में था, तो कोई आकर मेरे से पूछे तो सर विश्वविद्यालय में क्या संघर्ष किया, एकेडमिक काउंसिल के रिकॉर्ड अपने आप कहेंगे कि उनके अंदर क्या किया, सीनेट में, सिंडिकेट में, कौन सी फैकल्टी, कौन सा कोई प्रोग्राम लेकर आई विश्वविद्यालय के अंदर, जो एक्रेडिटेशन होता उसके अंदर, उस दरमियान वो विश्वविद्यालय, जब मैं विश्वविद्यालय का अध्यक्ष था उस वक्त वो कौन से पायदान के अंदर थी, UGC के, UGC फंडिंग कितनी मिलती थी, एक्रेडिटेशन हुआ या नहीं हुआ, छात्रों के अंदर क्या स्थिति, उनके हॉस्टल की क्या स्थिति, एक अतिरिक्त हॉस्टल खुला,
कुछ भी हुआ, सिर्फ और सिर्फ रील बनाने के लिए कुछ करना एक अलग बात हो। ये पूरी की पूरी बात मैंने आज भाटका के अंदर उनके जीवन के संदर्भ में कि वो बाड़मेर के नागरिकों को ये जानना चाहिए, उनका संघर्ष जानने चाहिए, वो आपकी तकलीफ जानते हैं। ये लोग कह रहे हैं उसकी जाति, उम्मीदा राम बेनीवाल की जाति क्या, वो मजदूर है। मजदूर की जाति क्या होती, मजदूर की जाति मजदूर होती है। तो मजदूरी करने जाते हैं वहाँ धर्म और जाति के आधार के ऊपर मजदूरी नहीं होती, वो पसीना टपका कर मजदूरी करनी पड़ती। वो मजदूरी का पसीना हम तीनों ने नहीं एहसास किया, हमारे परिवारों ने तो एहसास किया होगा, पर हम तीनों ने नहीं किया, जो उम्मीदवार हम बेनीवाल ने किया। ये बातें सब मैंने आज भाटका में पहले में कहता है। सर कहाँ देखते हैं आज कांग्रेस को आप, क्योंकि राजस्थान में फर्स्ट फेज के इलेक्शन हो चुके हैं, अब तमाम आप ही की पार्टी हो चाहे बीजेपी की नेता हो, वो कहीं ना कहीं मूव करेंगे। नहीं, पहले चरण के अंदर बहुत अच्छा उत्साहजनक आज पोलिंग हुई है और बहुत अच्छा नतीजा पहले चरण में रहेगा, और दूसरे चरण में जो शेष बची हुई जो सीटें हैं उसमें भी बहुत अच्छे ढंग से लोगों का समर्थन मिल रहा है, और बाड़मेर के अंदर चाहे कोई भी आए बाड़मेर के लोग बहुत जागरूक हैं और बाड़मेर के लोग मन बना चुके हैं। ये आपस में टकराव और तनाव का जो प्रयास किया जा रहा है उसका मुंह तोड़ जवाब बाड़मेर के लोग देंगे। क्या हरीश चौधरी मानते हैं कि बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा के लोकसभा चुनाव हैं वो जातिगत आधार पर कहीं बदल रहे हैं? नहीं, ये कोशिश की जा रही है। जब निर्दलीय प्रत्याशी महोदय इस तरह की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से वो पूरे के पूरे चुनाव के अंदर बातें कर रहे हैं, क्या ये हमारे थार के लिए ठीक है? क्या इस तरह के टकराव ठीक है? आज विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि से वो आए थे, मैं भी उसी विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि से आया, कभी इस तरह की शैली, इस तरह के शब्द, इस तरह की बात, इस तरह का कृत्य मैंने किया? बाड़मेर के लोगों के बीच में आना था तो ईमानदारी से आया। उन्होंने बताया कि हम लोगों की यह प्राकृतिक आपदा टिड्डी थी, उस वक्त वो कहाँ थे, कोरोना थी जब, उस वक्त कहाँ थे? जब मैं छात्र जीवन के अंदर था, कवास के अंदर बाढ़ आई, तो कोई मुझे पूछ सकता है कि मैं उस कवास की बाढ़ के अंदर कहाँ था, क्या मैं कवास की बाढ़ में लोगों के बीच में था या नहीं था? ये प्राकृतिक आपदा के वक्त ये कहाँ थे, ये प्राकृतिक आपदा के बीच में, क्योंकि ये बाड़मेर के लोगों से लगाव नहीं रखते थे। उस वक्त मेरी उम्र क्या थी, उस वक्त मैंने चुनाव भी नहीं लड़ा था, और चुनाव लड़ने के संदर्भ के अंदर उस वक्त मेरा कोई वो ऐसा इरादा भी नहीं था, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर ही मैं घूम रहा था। इन्होंने क्या जो बातें, जो अन्याय हम लोगों के साथ हो रहा है, और क्या लब्बाजी कि 40 दिन के अंदर मैं शिव के नौजवानों को रोजगार दे दूंगा। रोजगार दे सकते हैं क्या एक विधायक के तौर के ऊपर? सिर्फ भावनाओं के माध्यम से उन लोगों से वोट लेना क्या सही है? ये रिश्ता, वोटों का रिश्ता, और वोट पाने के लिए जो चीजें करी जा रही है वो हमारी थार की परंपरा नहीं है। अपने से आप करो, और मैं सभी को आगाह करता हूँ, इस तरह की टकराव, इस तरह का व्यवहार, इस तरह के सब से हम अपने अगली पीढ़ी को कहाँ लेकर जा रहे हैं? आज सामंजस्य में भाईचारा है, आपस में जाति, हर उम्मीदवार की कोई ना कोई जाति तो होती है, दो जाति के दो उम्मीदवार एक जाति के हो सकते हैं, क्या इस तरह की भावना भड़कानी चाहिए, इस तरह का वातावरण बनाना चाहिए? ये कोई बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र इकलौता तो नहीं है, इकलौता है क्या? बाड़मेर जैसलमेर में ही ऐसा चुनाव हो रहा है, ये पड़ोस के अंदर जोधपुर के अंदर हो रहा है, एक ही जाति के दोनों राष्ट्रीय दल के उम्मीदवार है, किसी ने इस तरह की बात नहीं करी, प्रयास नहीं किया इस तरह के भावना भड़काना, इस तरह का ध्रुवीकरण करना और निराधार बात करना। आज वो कह रहे हैं कि शिक्षा का स्तर, वो कह रहे हैं कि यहाँ रोजगार के संदर्भ में, वो सब आंकड़े हैं, वो मेरे से पूछ रहे हैं कि आपने क्या किया, एक संसद रहते हुए मैं बताने के लिए तैयार हूँ, ये अहंकार चैलेंज वो मेरे से पूछ रहे हैं कि एक विधायक के तौर पर क्या किया। मैंने उनसे निवेदन किया किसी भी विधानसभा में, राजस्थान की किसी भी विधानसभा के आंकड़े लाकर, और आप भाईतू के पिछले 5 वर्षों की तुलना कर लो, सड़क में कर लो, पानी में कर लो, बिजली में कर लो, स्वास्थ्य में कर लो, वो बात नहीं करेंगे। सिर्फ वहां जाकर और लोगों के बीच में लफबाजी करना, क्या ये गंभीरता है? सिर्फ आरोप लगाने के लिए आरोप लगा रहे, और किस किस तरह के वो आरोप लगा रहे, किस किस तरह के वो कैंपेन कर रहे।
आज जो काम कर रहे हैं उनको जाति के आधार पर वो चाह रहे हैं। जैसे नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे कि कपड़े से मैं पहचानूं, एक नई परंपरा उन्होंने शुरू कर दी। जो एजेंसीज उन्होंने हायर की है कैंपेन के लिए, उनको बता रही है कि किस किस तरह से उस रिफाइनरी के अंदर कौन किस जाति का है, किस जाति का कौन व्यापार कर रहा है। इस तरह के सवाल उठाकर उन व्यापारियों को जाति में बांट कर सीधे आरोप लगे सर आप पर रिफाइनरी को लेकर कि हरीश चौधरी ने वहां एक छोटा राजन का नाम दिया, किसी ने कहा कि अपनी जाति के लोग लगा दिए। हाँ, तो ये मैं कह रहा हूँ ना कि रिफाइनरी में जाकर कोई भी, मैं उसका जवाब दूंगा। जो ये कैंपेन कर रहे हैं कि वहां मुसलमानों के लिए क्या किया, ये निर्दलीय प्रत्याशी की एजेंसी पूरे की पूरी कैंपेन कर रही है, मैं जवाब उनके बीच में खड़ा कर दूंगा। मैं किसी भी उनके आरोप का, क्योंकि मैं सच्चा हूँ, पक्का हूँ, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। उन्होंने उन लोगों के बीच में जो ये बात कर रहे हैं कि मुसलमानों को क्या मिला रिफाइनरी से, जिनके वोटों की ताकत से, उसका जवाब भी मैं दूंगा और उन लोगों के बीच में खड़ा होकर जवाब दूंगा। मैं उनको इससे निवेदन करता हूं, निर्दलीय प्रत्याशी और उनके एजेंसीज वाले, कि वो आए, समय वो तय कर ले, जगह मैंने बता दी, पर आकर और इस पर चर्चा कर ले। और अगर सिर्फ आरोप लगाकर और पीटी दिखाकर जाना है तो अलग बात है, तो मैं आने वाले समय में उन लोगों के बीच में खड़ा होकर जो इन्होंने आरोप लगाए उसका जवाब मैं उन लोगों के बीच में दूंगा। बड़ा दुर्भाग्य है कि मजदूर को जाति से देखा जा रहा है, ड्राइवर को ये जातियों में बांटना चाह रहे हैं, व्यापारियों को जाति में बांटना चाह रहे हैं। इससे पहले कभी भी मेरे जहन में या किसी बाड़ में के लोगों के जहन के अंदर ये नहीं आया कि किस जाति के वहाँ कौन से कॉन्ट्रैक्टर हैं। ये जो मैं पता कर रहा हूँ मैं उनको भी बताऊँगा, पर यह बहुत पीड़ाजनक है। और ये बात कहाँ तक जाएगी उसका अंदाज जहाँ उनको चुनाव लड़ाने वाले नहीं है। मेरे को तो उनके सलाह है कि जो भी लोग उनको ये सलाह दे रहे हैं वो इनका भला नहीं कर रहे, धार का भला नहीं कर रहे हैं। तो क्या हरीश चौधरी रविंद्र सिंह भाटी के उस चैलेंज का जवाब दे रहे जो उन्होंने पचपदरा में कहा था चैलेंज मेरे सामने आए और मेरे से डिबेट करें? हाँ, मैं मेरे संदर्भ में बात कर रहा हूँ, जो मेरे लिए जो बात करी, मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ। लोकतंत्र में चैलेंज की कोई जगह नहीं। मैं सच्चाई बताने के लिए, मैं बाड़मेर की विकास, मैं संसद था उस वक्त, मैंने क्या किया उसके संदर्भ में कुछ भी किसी को पूछना, रविंद्र सिंह जी भाटी से को पूछना तो मेरे से पूछे, मैं उनके हर सवाल का जवाब दूंगा। जो उन्होंने सवाल मेरे लिए किए उनका मैं जवाब दे रहा हूँ। मेरा सर आखिरी सवाल है, बाड़मेर कांग्रेस की एकजुटता सीट निकाल रही? बाड़मेर के लोगों ने तय कर लिया है कि बाड़मेर की सीट एक सरल मजदूर के पसीने से तर बतर संघर्ष से निकला हुआ उम्मीदवार राम बेनीवाल को संसद बनाएगी। बिल्कुल, ये हरीश चौधरी हैं, तमाम सवालों के बेबाकी से जवाब दिए और इस क्षेत्र की बात की, अपने विकास कार्यों की बात की और जो प्रत्याशी हैं उनको भी कहा है कि किस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, उन कई आरोपों के इन्होंने आज जवाब दिए। धन्यवाद।